वेलकम बैक। क्या हाल है? फाइनली आज अपने पास है ओप्पो K12X 5G। इस फोन को मैं पिछले कुछ टाइम से यूज कर रहा हूँ, अच्छे से टेस्ट वगैरह कर लिया है। इस फोन में आपको 5100 mAh की बड़ी बैटरी मिलती है, उसी को चार्ज करने के लिए 45W का जो फास्ट चार्जर है आपको बॉक्स के अंदर देखने को मिलेगा। आज के वीडियो में ओप्पो K12X 5G का हम लोग 0 to 100% चार्जिंग टेस्ट करेंगे। इस टाइम पर अगर आप लोग फोन में बैटरी देखें तो 4% बैटरी जो है वो आपको देखने को मिलती है। तो देखते हैं भाई इस फोन को पूरा 0 to 100% फुल चार्ज होने में कितना टाइम लगता है। अगर आप ओप्पो K12X 5G बाई कर रहे हो या करने वाले हो तो वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक वॉच करना, आपको पता चल जाएगा कि इस फोन को पूरा फुल चार्ज होने में कितना टाइम लगता है। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी। पहली बार चैनल के ऊपर चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक भी कर दो। और हाँ, चार्जिंग टेस्ट में आपको आउट ऑफ द बॉक्स जो चार्जर और डाटा केबल देखने को मिलती हैं उन्हीं को हम यूज करेंगे। फाइनली सब कुछ आ गया, स्टॉपवॉच भी ये रही। और इस टाइम पर अगर आप लोग चेक करें तो फोन का ब्लूटूथ, वाईफाई, हॉटस्पॉट, नेटवर्क सब कुछ बंद है, यहां तक कि इंटरनेट भी बंद है। सिर्फ मेरी सिम जो है वो ऑन है, बाकी रिसेंट सेक्शन बिल्कुल पूरा का पूरा क्लीन है। यहां पर क्लीन कर देता हूं, फोन में बैटरी है 4% और यहां पर इसको डिलीट कर देता हूं। चार्जिंग स्टार्ट करने से पहले अगर हम लोग फोन के टेम्परेचर की बात करें तो फोन का टेम्परेचर आप लोग को 29 डिग्री के आसपास मिलता है। रूम के टेम्परेचर की बात करें तो 23 डिग्री के आसपास रूम का टेम्परेचर है। एंड चार्जर का टेम्परेचर भी आप लोगों को 23 डिग्री के आसपास देखने को मिलता है। मेरे रूम में ना ही फैन चला है ना ही एसी लगा है, रियल प्रैक्टिकल लाइफ में टेस्ट कर रहा हूं। यहां पर चार्जिंग को मैं स्टार्ट करता हूं, स्टॉप वॉच को भी ऑन कर देता हूं। आपके सामने चार्जिंग को ऑन कर दिया एंड अब आपको मिलता हूं 5 मिनट के बाद, और देखते हैं कि 5 मिनट चार्ज करने के बाद इस फोन में कितनी बैटरी चार्ज हो जाएगी। वैसे हमने 4% से स्टार्ट किया। फाइनली फोन को चार्जिंग में लगाए हुए 5 मिनट हो चुके हैं और 5 मिनट चार्ज करने के बाद बैटरी की बात करें तो फोन में जो बैटरी है 12% चार्ज हो चुकी है। मैं सेटिंग के अंदर इसका जो बैटरी का सेक्शन है ये भी आपको बता दूं तो यहां पर भी आप लोगों को 12% बैटरी देखने को मिलती है। सुपर बुक इसका ओरिजिनल चार्जर हम लोग यूज कर रहे हैं। अब टेम्परेचर की बात करें, 5 मिनट फोन को चार्ज किया, फोन का टेम्परेचर 30 डिग्री हो चुका है एंड जो चार्जर का टेम्परेचर है वो आप लोगों को 24 डिग्री देखने को मिल जाता है। बाकी मैं आपको मिलता हूं 15 मिनट के बाद और देखते हैं कि 15 मिनट चार्ज करने के बाद इस फोन में कितनी बैटरी चार्ज हो जाएगी। फोन को चार्जिंग पे लगाए 15 मिनट हो चुके हैं। अब 15 मिनट चार्ज करने के बाद बैटरी की बात करें तो फोन में जो बैटरी है 26% चार्ज हो चुकी है। सेटिंग के अंदर बैटरी का सेक्शन चेक करें, यहां पर भी आपको 26% बैटरी देखने को मिलती है। टेम्परेचर चेक करें, 15 मिनट फोन को चार्ज किया है तो फोन का जो टेम्परेचर है वो आप लोगों को 31 डिग्री के आसपास मिलता है एंड जो चार्जर का टेम्परेचर है 28 डिग्री के आसपास आपको देखने को मिलता है। बाकी अब मैं आपको मिलता हूं आधे घंटे के बाद और देखते हैं कि आधे घंटे के अंदर ये फोन फुल चार्ज हो जाता है या नहीं होता। फाइनली फोन को चार्जिंग पे लगाए हुए आधा घंटा यानी कि 30 मिनट हो चुके हैं। अब आधा घंटा चार्ज करने का बैटरी की बात करें तो फोन में 47% बैटरी जो है वो चार्ज हुई है, फोन पूरा 50% चार्ज नहीं हुआ है। सेटिंग के अंदर बैटरी का सेक्शन बताऊं तो यहां पर भी आप लोगों को 47% बैटरी देखने को मिलती है। अब यहां पर टेम्परेचर की बात करें तो फोन को आधा घंटा चार्ज करने के बाद फोन का टेम्परेचर 32 डिग्री और आपका जो चार्जर है इसका टेम्परेचर 30 डिग्री आपको देखने को मिलता है। बाकी देखो अब मैं आपको मिलता हूं 45 मिनट के बाद और देखते हैं कि 45 मिनट में ये फोन 80% चार्ज हो जाता है या नहीं होता। फोन को चार्जिंग पर लगाए हुए 45 मिनट से ज्यादा हो चुके हैं। अब बैटरी की बात करें तो 45 मिनट फोन को चार्ज करने के बाद फोन में 67% बैटरी जो है वो चार्ज हो चुकी है। अब सेटिंग के अंदर इसका बैटरी का सेक्शन अगर आपको बताऊं तो यहां पर भी आप लोगों को 67% बैटरी देखने को मिलती है। एंड टेम्परेचर की बात करें, फोन का टेम्परेचर 32 डिग्री और चार्जर का टेम्परेचर 30 डिग्री। बाकी अब आपको मिलता हूं 1 घंटे के बाद और देख जाएंगे 1 घंटा चार्ज करने के बाद इस फोन में कितनी बैटरी चार्ज हो जाएगी। फाइनली फोन को चार्जिंग पे लगाए 1 घंटा हो चुका है। अब बैटरी की बात करें तो मैंने भी अभी तक नहीं देखा कि 1 घंटा चार्ज करने के बाद कितनी बैटरी चार्ज हो चुकी है। मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूं, देखते हैं क्या 80% से ऊपर हो गई है। तो यहां पर भाई 83% बैटरी जो है 1 घंटे के अंदर फोन में चार्ज हो चुकी है। अगर मैं आप लोगों को सेटिंग्स के अंदर इसका जो बैटरी का सेक्शन तो यहां पर 84 हो चुकी है। बाकी टेम्परेचर की बात करें तो 1 घंटा फोन को चार्ज करने के बाद फोन का टेम्परेचर 32 डिग्री एंड चार्जर का टेम्परेचर भाई 31 डिग्री। सबसे अच्छी बात ये रही फोन बिल्कुल भी हीट नहीं किया, 35 डिग्री से आगे तो ना ही फोन का टेम्परेचर गया ना ही चार्जर का टेम्परेचर। बाकी अब आपको मिलता हूं 1 घंटा 15 मिनट के बाद और देखते हैं कि 1 घंटा 15 मिनट के अंदर यह फोन फुल चार्ज हो जाता है या नहीं होता। फाइनली फोन को चार्जिंग में लगाए हुए 1 घंटा 15 मिनट हो चुके हैं और बैटरी की बात करें तो 1
घंटा 15 मिनट के अंदर भाई फोन में बैटरी जो है 97% बैटरी का सेक्शन यहां पर भी 97% हो चुकी है। टेम्परेचर चेक करना भी जरूरी है, तो फोन का टेम्परेचर भाई आप लोगों को 29 डिग्री एंड चार्जर का टेम्परेचर आप लोगों को 31 डिग्री मिलता है। तो देखो ना ही फोन ज्यादा हीट किया ना ही चार्जर ज्यादा हीट किया, लेकिन आप देखते हैं कि इस फोन को फुल चार्ज होने में कितना टाइम लगता है। वैसे एक घंटा 15 मिनट के अंदर फोन में 98% बैटरी जो है वो चार्ज हो चुकी है। अब देखते हैं कि 2% फोन को पूरा फुल चार्ज होने में कितना टाइम लगेगा। फाइनली फोन को चार्जिंग पे लगाए एक घंटा 18 मिनट 29 सेकंड हो चुके हैं और अब जाकर के फोन में जो बैटरी है भाई 100% चार्ज हो चुकी है, लेकिन अभी भी ऊपर बैटरी शो कर रहा है, फोन पूरा चार्ज नहीं हुआ है लेकिन 100% बैटरी जो है वो यहां पर दिखा रहा है। तो अगर आप अपने फोन को 4% बैटरी से चार्ज करना स्टार्ट करते हो 100% तक, तो आपका एक घंटा 18 मिनट 29 सेकंड लग जाएंगे, लेकिन अगर आपका फोन बिल्कुल ही डेड है तो आपका 1 घंटा 25 मिनट 1 घंटा 30 मिनट का जो टाइम है वो ओप्पो K12X5G को चार्ज करने में लग जाएगा। तो फाइनली इतना इस वीडियो में। अगर आप लोग ओप्पो K12X5G को बाय करने का प्लान कर रहे थे और देखना इस फोन को पूरा फुल चार्ज होने में कितना टाइम लगता है, तो रिजल्ट्स आपके सामने है, रियल प्रैक्टिकल लाइफ का टेस्ट किया है। बाकी मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक भी कर देना।